खबरदार न्यूज के साथ और मैं उबेद। चुनाव का माहौल है और चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है, तो इस दौर में हम आज पहुंचे हैं सिमरिया विधानसभा के चौरा गांव में, जहां के जनपद प्रत्याशी रहे और विजेता हुए हैं जनपद सदस्य श्री अभिषेक तिवारी, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये आप अपना परिचय दें। अभिषेक त्रिपाठी, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत सिरमौर। तो आपके क्षेत्र में चुनावी समीकरण किस तरीके का चल रहा है? हमारे क्षेत्र में सिमरिया से केपी त्रिपाठी जी निश्चित रूप से प्रत्याशी हैं और विजयी भी होंगे और 15,000 से 20,000 मतों से विजयी होंगे। जिस तरीके से वर्तमान में भी 3 महीने पहले अभय मिश्रा बीजेपी में थे, फिर अचानक से छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, तो ये कैसी स्थिति निर्मित हुई कि उन्होंने 2 बार 3 बार लगातार पार्टी में अपने बदलाव किया? निश्चित ही वो पूंजीपति अपनी पार्टी मान रहे हैं कि जब चाहेंगे तो जिस पार्टी से टिकट खरीद के और चुनाव लड़ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो कांग्रेस से वो टिकट खरीद के लाए और सोचते हैं कि सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे वो हो चुके हैं। जैसे उन्होंने केपी त्रिपाठी का भी नाम लिया था कि इनको टिकट ना मिले, कुछ इसकी ये वजह भी मानी जा रही उनके दोबारा कांग्रेस में आने की? जब निश्चित है कांग्रेस बीजेपी से प्रत्याशी और विधायक है केपी त्रिपाठी, तो उनको ही टिकट मिलेगा। अब ये कोई हम भी कह दें कि हम सिमरिया से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। जब प्रत्याशी और विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहले से, तो उनको जाहिर से ही बात है कि मिलेगा। तो इस बार जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, जिस तरीके से इस बार टिकटों का बंटवारा हुआ है, जनता विधायक बदलने के विचार में है नहीं है, और जिस तरीके से ये दौर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधायक केपी त्रिपाठी होंगे या अभय मिश्रा? सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी ही होंगे, बिल्कुल निश्चित। जहां पर कुछ लोगों से सुना जा रहा है कि अभय मिश्रा इस बार पैसों की बौछार कर देंगे, हर घर में पैसा देंगे और तब जाकर विधायक बनेंगे, वो तो अब समय बताएगा कितना उनका पैसा काम आता है। बाकी लाडली बहना शिवराज जी, कितनी अच्छी योजना लाडली आवास है, इनके आगे उनका पैसा कुछ न काम करेगा। तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। किस किस तरीके का विकास हुआ है? हमारे ग्राम पंचायत में टैंकर नहीं था, निश्चित ही ये आपके सामने खड़ा हुआ है। हैंड पंप हुए कई और सड़क बनी, सड़क के विधायक निधि से पैसा दिया गया। अभी हमारे क्षेत्र में 1,62,62,00,000 की सड़क बन रही है, सथनी रीवा मझियार रोड से सथनी रोड की। जी। और शिक्षा के क्षेत्र पे आप क्या बोलेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे सिमरिया में 1 CM राइज की स्कूल मिला है, अब निश्चित ही 1 हमारे शाहपुर मंडल में जी, और इधर सथनी चौरा में 1 CM राइज स्कूल मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं आपकी जो चौरा पंचायत में विद्यालय है, उसमें चलने के लिए मार्ग नहीं है, बारिश में पानी भर जाता है, तो उसका कुछ समाधान होगा? वो होगा, निश्चित ही होगा, उसकी सड़क बनेंगे। विद्यालय जीर्णोद्धार की स्थिति में आ चुका है, तो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए या नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहाँ के छात्र जो हैं तो बाहर ना जाके यहीं से उचित शिक्षा प्राप्त करें। CM राइस स्कूल हो जाएगा तो ऐसे भी 44-45 करोड़ की बिल्डिंग बनती है, तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। जैसे यहाँ के शिक्षक हैं, उनके शिक्षा का स्तर क्या है? ठीक है, अच्छा है शिक्षा के। अभी नए प्राचार्य आए हैं, उस दिन से बिल्कुल टाइम से स्कूल लगती है, 10:30 बजे विद्यालय लग जाती है और 5 बजे तक अब चलते। शिक्षा में अब बढ़ी है, काफ़ी सुधार। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा विशेष है जैसे बाहर के लोग भी आए और जुड़े, कुछ पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, उसके बारे में बताएं? क्षेत्र में आपको यही मंदिर है, भुइयानाथ स्वामी हनुमान जी का मंदिर है और ये बहुत सिद्ध हनुमान जी महाराज है, चिराहुला टाइप के हनुमान जी हैं, लोग कहाँ कहाँ से मन्नत मांगने आते हैं। और होली के बाद जो पहला मंगल होता है बुढ़वा मंगल, उस दिन ये मेला लगता है और 8 दिन का मेला होता है और प्रसिद्ध है, यहाँ सुई से लेके सोना तक बिकता है मेले में। तो ये कितने वर्षों पुराना मंदिर है? अब ये तो मंदिर लगभग 150-200 साल पुराना होगा जी। तो इस बार जैसे आप बोल रहे हैं आपके विधायक केपी त्रिपाठी होंगे, तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है हमारे सिमरिया विधानसभा में कार्य के क्षेत्र में? कार्य के क्षेत्र में अभी पहले भी हमारे यहाँ पहले राजमणि पटेल जी सेतु निर्माण के मंत्री थे,
एक पुल दिए थे, वो भी जब उनकी विधायक कार्यकाल खत्म हो गई। हमारे सेमरिया के विधायक लाडले श्री केपी त्रिपाठी जी अभी 3 पुल दिए, 9 करोड़ रुपए, 1 10 करोड़ की, 1 8.5 करोड़ रुपए की। एक दिए पटना से सुकवार, एक दिए मुड़ियारी से खड्डा, और एक अब दुगमा से धरी। और धरी का एक ऐसा ये पुल है कि उसमें बीच में एक टापू है मोर बन के नाम से जाना जाता है, वो भी पर्यटक के काफ़ी संभावनाएँ हैं वहाँ। जैसे एक सिमरिया क्षेत्र के विधायक रहे के पी त्रिपाठी को हिटलर और तानाशाह भी कहा जाता है, ऐसा लोगों के मुंह से सुना गया, तो क्या ये बात सही है? ये विरोधियों का काम है कहना, ताकि ऐसे तो कुछ नहीं। सिमरिया के बिल्कुल लोकप्रिय विधायक श्री के पी त्रिपाठी से विनम्र आज तक कोई विधायक यहाँ हमको देखने को नहीं मिले जी। एक यहाँ पे अखंड तिवारी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? 2018 के चुनाव में हुए थे, लेकिन इस चुनाव में नहीं है, अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उनका इस चुनाव के दौरान नहीं होना कितना खलेगा? निश्चित है उनकी कमी बहुत खलेगी, पर उनके बड़े भाई, उनकी श्रीमती जी और सब, उनका पूरा परिवार, हम सब लोग उसी परिवार से हैं, तो निश्चित ही उनके साथ ही रहेंगे। और जहाँ उनका वही हमको भारतीय जनता पार्टी में ले के आए थे, तो अब उनके आगे की वो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको बांध के रखता था। जी जी, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी हमारे क्षेत्र में है कोई जो एकजुट होकर किसी कार्य के लिए आगे बढ़े? उन्हें के वो उसके जो वो है मतलब नींव डाले हैं, उसका आगे का बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे जी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।